यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही था। तो भगवान प्रतिदिन देखो अब द्वारिका से अपने सारे के सारे काम धंधे छोड़कर भगवान आए, इतना बड़ा प्रशासन अपना छोड़कर आए अर्जुन के लिए। और भगवान यहाँ पर जब सारथी बने हैं तो घोड़ों को मालिश करना, घोड़ों को साफ सफाई करना और घोड़ों पर तेल लगाकर उनको बढ़िया चमकाना, ये सब भगवान करते हैं। अर्जुन जब रथ में बैठते हैं तो अर्जुन को तो बस हल्की सी धोती उठाकर रथ में चढ़ना होता था, रथ का जो दरवाजा था वो भी भगवान ही खोलते थे। अर्जुन बैठ जाए तो कहीं अर्जुन को कोई कष्ट ना हो, कुंडी भी जो रथ में दरवाजे में होती है वो भी प्रभु ही लगाते थे। और जब अर्जुन युद्ध करके आते तो सायंकाल में कुंडी भगवान खोलते, अर्जुन को रथ से उतारते। अर्जुन को आदत सी पड़ गई थी, भगवान ने यदि दिया है तो ठीक है उसका उपभोग कीजिए, लेकिन उस सत्ता का या उस प्रभाव का कभी अभिमान नहीं होना चाहिए, प्रभाव का कभी अभिमान नहीं होना चाहिए, पद का कभी अभिमान नहीं होना चाहिए। भगवान ने 18 दिन तक युद्ध हुआ और आज 18वां दिन भगवान महाभारत को जीत गए। भगवान लेकर रथ को आए और अर्जुन से कहा कि अर्जुन उतरो, रथ से उतरो। अर्जुन ने सोचा अरे प्रभु तुम कुंडी खोलोगे रथ की तब तो हम उतरेंगे। भगवान ने फिर कहा अर्जुन उतरो। अब अर्जुन बोल भी नहीं सकता लेकिन मन में सोच रहे हैं अर्जुन कि शायद प्रभु आज थोड़ा सम्मान कम कर रहे हैं मेरा, कुंडी खोलना भूल गए, आप खोलेंगे तभी तो उतरूंगा, बाहर नहीं बोल रहा है, मन में बोल रहा है। और तो भगवान ने फिर कहा अर्जुन उतरो। तो अर्जुन ने सोचा कि शायद थोड़ा सा अगर मैं थोड़ा समय बर्बाद करूंगा तब तक क्या पता प्रभु को याद आ जाएगा तो कुंडी खोलेंगे तब मैं उतरूंगा। तो अर्जुन कभी अपना दुपट्टा ठीक करता है, कभी धोती वोती ठीक करने लगा। तो फिर एक मिनट और चला गया, भगवान ने और गंभीर वाणी में कहा, जैसे मेघ गरजते हैं वैसी गंभीर वाणी में कहा अर्जुन। और तब अर्जुन ने सोचा आज नहीं खोलने वाले। अर्जुन ने खुद ही कुंडी खोली रथ की और अर्जुन नीचे उतरे हैं। और फिर कहा भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कि अर्जुन थोड़ा दूर जाकर, रथ से दूर जाकर खड़े हो जाओ। अर्जुन रथ से दूर जाकर खड़े हो गए और तभी भगवान श्री कृष्ण रथ से जैसे ही उतरे हैं, रथ से उतरकर जैसे ही भगवान रथ को छोड़कर थोड़ा सा दूर गए हैं, वैसे ही महाभारत का प्रसंग है कि उस रथ में भर भराकर अग्नि लग गई है और क्षण भर में वो रथ जलकर भस्म हो गया। अब बची थी तो केवल राख। अर्जुन के तो हाथ पांव कांपने लगे। जो महाभारत के युद्ध से नहीं डरा वो अर्जुन इस दृश्य को देखकर डर गए और प्रभु से पूछा कि प्रभु ये कौन सी लीला है, मैं जानना चाहता हूं। तब भगवान ने कहा कि कुछ समझे? तो अर्जुन ने कहा कि बस मैं तो इतना ही समझ पाया कि जब तक आप रथ में बैठे थे तब तक रथ सुरक्षित था और जैसे ही आपने रथ को छोड़ा वैसे ही रथ जल कर भस्म हो गया। बस मैं तो इतना ही समझ पाया प्रभु, बस इसके आगे का रहस्य मुझे समझा दीजिए। भगवान ने कहा अर्जुन यही जीवन की सत्यता है, ये रथ और कोई नहीं, ये जितने भी लोगों को शरीर दिया है ये सब रथ है और इन रथ में इंद्रियां, जो एकादश इंद्रियां हैं ये सब इनके क्या हैं, घोड़े हैं। 10 इंद्रियां और सारथी कौन है, मन, इनका नियंत्रण करता है। और हम सबके जो रथ हैं ये कब तक सुरक्षित हैं, जब तक द्वारिकाधीश हमारे भीतर बैठे हुए हैं। तो जैसे कि उस रथ का त्याग करते ही रथ जलकर भस्म हो गया, वैसे ही जब तक इन रथों में मैं बैठा हूँ तब तक ही ये रथ सुरक्षित हैं। जिस दिन मैं इन रथ से उतरकर थोड़ा सा भी दूर चला गया उस दिन ये रथ सब जला दिए जाएंगे। और यदि कोई रखना भी चाहे तो भी पड़ोसी कहेंगे अरे इस शव को घर में रखकर क्या भूत प्रेत बना के डोलाएगा क्या, यहाँ पर हमको भी परेशानी करेगा। यहाँ तक कि घर के लोग भी चाहते हुए भी उस शव को एक दो दिन से ज़्यादा रखना नहीं चाहते। यही जीवन की सच्चाई है, जब तक द्वारिकाधीश इस शरीर पर विराजमान है तब तक ही ये शरीर पवित्र है, निर्मल है। उसके बाद जैसे ही रथ उतरे प्रभु, ये रथ इतना, ये शरीर इतना अमंगल स्वरूप हो जाता है, इसको कोई छूना नहीं चाहता, इसको कोई देखना नहीं चाहता।